शिवराज वीडी शर्मा के खिलाफ हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। कपिल सिब्बल ने विवेक तनखा का रखा पक्ष, बोले अधिवक्ता पर लाछन लगाना गलत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबलपुर पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया था। उसी को चुनौती देते हुए शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर किए गए 10 करोड़ के आपराधिक मानहानि केस में शनिवार को हाई कोर्ट में 2 घंटे तक सुनवाई चली। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हाई कोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का पक्ष रखने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि अगर कोर्ट के बाहर किसी अधिवक्ता के ऊपर गलत लाछन लगाया जाए तो यह गलत है। पूरी सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा भी कपिल सिब्बल के साथ मौजूद रहे। हाई कोर्ट में बहस कर अदालत से बाहर आए कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जो वकील हैं कोर्ट में जाकर कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं और कोर्ट के बाहर अगर लाछन लगे, जो कि लगने वालों को भी पता है कि झूठ है, और प्रोफेशन पर अगर चोट लगे तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि एक वकील तो अपना काम करता है, उस आधार पर ही न्याय कोर्ट से मिलता है। अगर उन पर ही गलत आरोप लगाया जाए तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी। विवेक तनखा ने अदालत से उम्मीद की है कि फैसले के जरिए एक नजीर पेश की जाए। बहरहाल जल्द ही इस मामले पर फैसला आएगा। हाई कोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी थी। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो उक्त भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने जिस तरह से गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठिकरा विवेक तनखा के सिर पर फोड़ दिया था और उनकी छवि व अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई थी, उसी को लेकर विवेक तनखा ने एमपी एमएलए कोर्ट में तीनों के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक अपने खिलाफ गलत बयानबाजी को लेकर राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा था। विवेक तनखा का कहना था कि यह बयान पूरी तरह से गलत था और इससे उनकी मानहानि हुई है, इसलिए इन तीनों नेताओं के खिलाफ इन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक अपमानना का मुकदमा दर्ज करवाया था।